जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ गया है लेकर एक और मैच। इंडिया वर्सेस बारबाडोस की बात करेंगे। इस मैच में भारत को मेडल का होप बचाना है, रखना है, तो ये मैच जीतना ही होगा। बारबाडोस को अगर मेडल की होप बचाना है तो भी जीतना होगा। मतलब ये क्वार्टर फाइनल है वर्चुअल, जो जीतेगा वही ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएगा सेमीफाइनल में, क्योंकि दोनों टीमें अपने दो दो मैच में से एक एक हार चुकी हैं और एक एक जीत चुकी है। हालांकि नेट रन रेट के आधार पर भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन 2 पॉइंट भारत को चाहिए ही होंगे आगे बढ़ने के लिए। नेट रन रेट का कोई मोल नहीं है, 2 पॉइंट का ही मोल है। क्या भारत का प्लेइंग 11 रहेगा? बारबाडोस क्या कर सकता है भारत के खिलाफ जीतने के लिए? स्मॉल लीग, मिनी ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग टीम आपकी क्या बनेगी, उस पर चर्चा हम विस्तृत करेंगे इस वीडियो में। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल। कैसे करना है? इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है, वहां मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके सीधा ज्वाइन करिए। आप टेलीग्राम चैनल ब्राउजर की परमिशन के थ्रू ज्वाइन का बटन दबा दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तब क्या करें? तब ये करें कि सीधे जाएं टेलीग्राम ऐप पर और वहां जाके सर्च करें क्रिकेटोलॉजी। जब आप सर्च करेंगे बहुत सारे चैनल्स आपको दिखेंगे, किसी चैनल पे नहीं जाना है, सब फेक चैनल है। ओरिजिनल चैनल क्या है वो आपकी स्क्रीन पर है पहचान। यूजर नेम @MohitCricketologist, इसके आगे पीछे कुछ भी लगा होगा तो भी फेक है, ठीक है। और मेंबर 12,000 के आसपास, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी के हिसाब सहारे आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम। इसके अलावा अगर आप कोई भी ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम तो वो फेक होगा, उस पर अगर आपके साथ कोई ठगी होती है, कोई लूट होती है, तो जिम्मेदार आप ही होंगे, ठीक। मैं मैच पे आ जाता हूं। भारत पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से क्लोज हारा, पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह हराया। उस मैच में दो बदलाव किए, क्या प्लेइंग 11 में फिर कोई बदलाव होगा? चांसेस कम है। भारत का जो प्लेइंग 11 था वो कुछ इस तरीके से था। देखें, स्मृति मंधना जो कि दोनों मैचों में बहुत अच्छी फॉर्म में रही है, उनके साथ शेफाली वर्मा, ठीक है। 3 नंबर सबवेनी मेघना, 4 नंबर लाई गई है कौन, कप्तान हरमनप्रीत कौर है, 5 नंबर है जेमिमा रोड्रिग्स, 6 नंबर दीप्ति शर्मा, 7 नंबर स्नेह राणा, फिर यस्तिका भाटिया भी हैं उसके साथ, राधा यादव, रेणुका ठाकुर और मेघना सिंह। ये भारत का प्लेइंग 11 है जो पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। उम्मीद ये है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ भारत इस मैच में भी उतरेगा। दूसरी तरफ अगर मैं बॉलिंग और बैटिंग ऑप्शंस की बात करूं तो बैटिंग ऑप्शंस आप देखें, भारत के पास 8 नंबर तक बैटिंग ही बैटिंग है इस टीम में, कह सकते हैं कि गहराई ज्यादा है। उसके बाद बॉलिंग ऑप्शंस की बात करूं तो बॉलिंग ऑप्शंस भारत के पास बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पेस ऑप्शंस 2 ही हैं, रेणुका और मेघना। लेकिन स्पिन ऑप्शंस में राधा यादव, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा 3 प्रीमियर ऑप्शंस हैं, तो उसके साथ हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा इनको अच्छा खासा सपोर्ट दे सकती हैं गेंदबाजी में भी। इस तरीके की कहानी है भारत की टीम की। पावर प्ले में बॉलिंग की बात करूं तो दीप्ति शर्मा नई गेंद संभालेंगे रेणुका सिंह ठाकुर के साथ और मेघना सिंह के साथ। डेथ ओवर्स में बात करूं तो मेघना सिंह बॉलिंग करेंगी, दीप्ति शर्मा डेथ में भी बॉलिंग करेंगी और इनके साथ राधा यादव को जिम्मेदारी दी जा सकती है डेथ ओवर डालने की, ऐसी संभावना है, ठीक है। बात करते हैं बारबाडोस के प्लेइंग 11 की। तो बारबाडोस का प्लेइंग 11 आप देखिए, जो पिछले मैच में था वो कुछ इस तरीके से था। ड्रैंडन डॉटिन के साथ ओपनिंग करनी है कप्तान हेली मैथ्यूज, 3 नंबर काइसिया नाइट विकेट कीपर इनकी, 4 नंबर इनकी सिस्टर और बैटर काइसोना नाइट, 5 नंबर एलिना एली, 6 नंबर स्कैंडलबुरी, 7 नंबर एलिसा विलियम्स, 8 नंबर कोनेल, 9 नंबर सकेरा सलमान, 10 नंबर ब्रूस और 11 नंबर मैं नाम भूल गया, भूल सकते हैं यार, क्या हो गया, रखना ही तो पड़ता है सारा कुछ। तो 11वां प्लेयर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वही है, ठीक है। मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो गया है अभी नाम, कोई बात नहीं। 11 प्लेयर ये आपकी प्लेइंग 11 थी इनकी। अब बात आती है कि इसमें कौन कहां क्या करेगा। तो बैटिंग ऑर्डर जैसा आपको दिख रहा है सेम ही रहेगा, दिक्कत है बॉलिंग की। बॉलिंग ऑर्डर क्या है? हीली मैथ्यूज, डाइंडर रोटिन और इनके साथ ब्रूस, ये तीनों ओपनिंग बॉलिंग की कमान संभालेंगी। समेलिया कोनेल, एलिना एली और सकेरा सलमान 3 और सपोर्ट बॉलिंग। तो अगर बॉलिंग और आप देखें तो फिर भी इनकी ठीक ठाक है कि 5 इंटरनेशनल बॉलर हैं इनके पास और सपोर्ट करने को ब्रूस हैं। ऑल इन ऑल 6 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास बन जाते हैं,
जो विकेट लेने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बैटिंग में डाइंडरा डॉटिन और मैथ्यूज के बाद खाली पंसा है। हालांकि पहले मैच में काइसिया नाइट ने थोड़ी जज्बा दिखाया लड़ने का, लेकिन बड़ा मुश्किल है हर मैच में वो कर पाना, इसलिए खालीपन बैटिंग में ज्यादा है और भारत के बॉलर्स अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं इस मैच में। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूं तो डायंडर डॉटिन और हिली मैथ्यूज दो प्लेयर्स आप लीजिए आपका बारबाडोस से। तो दूसरी तरफ अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधना, और अगर भारत पहले बॉलिंग करता है तो दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर भारत की तरफ से रहने वाले हैं। जिन प्लेयर्स को आप अवॉइड कर सकते हो भारत की तरफ से या वेस्टइंडीज की तरफ से, सॉरी बारबाडोस की तरफ से, तो उनमें स्कैंडलेबुरी, कैसन नाइट, इन प्लेयर्स, ये जो प्लेयर हैं इनको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। भारत की तरफ से मेरे मुझे नहीं लगता कि इस प्लेइंग 11 में कोई ऐसा है जिसको आप अवॉइड कर पाए, आपको किसी ना किसी स्टेज पे वो प्लेयर्स पिक करने होंगे। चलते हैं स्मॉल लीग टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले स्मॉल लीग आपको खेलने का है। स्मॉल लीग आपको खेलिए दोस्तों विजन 11 ऐप पर। विजन 11 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर दिया हुआ है। लॉस कवर के लिए बहुत ही एक्सीलेंट ऐप है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है कि सेकंड इनिंग्स आप खेल सकते हो, आप यहाँ पे रिवर्स फैंटेसी टीम बना के खेल सकते हो, बॉलिंग टीम बना के खेल सकते हो और अदर स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो। मल्टी स्पोर्ट ऐप है, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो चाहो वो खेल सकते हो। ₹1 से लेके 1 लाख तक के कॉन्टेस्ट हैं इस तरीके के कि जिस तरीके का आपका जितने मेंबर का ऑपोजिशन आपको चुनना है वो आपको मिल जाएगा। चलते हैं अब आगे बढ़ते हुए स्मॉल लीग टीम पे, दिखा देता हूँ देर ना करते हुए। विकेट कीपिंग में आपके पास ऑप्शन है काइसिया नाइट है, यस्तिका भाटिया है। अब चूंकि सब्यमेनी मेघना को भारत के प्लेइंग 11 में जगह मिल गई है तो वो 3 नंबर खेलेंगी, ऐसे में यस्तिका भाटिया कहाँ खेलेंगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 5 नंबर अगर जेमी रॉड्रिक्स आ रही है तो 6 नंबर यस्तिका के लिए जगह बन रही है, नहीं बन रही है, क्योंकि 6 नंबर दीप्ति शर्मा भी आ सकती है, तो 6 या 7 यस्तिका के लिए काफी नीचे हो जाएगा। वहीं काइसिया नाइट 3 नंबर पे है, मतलब गेम कवर काइसिया का अच्छा है, फॉर्म भी ठीक चल रही है काइसिया की, एक बड़ी पारी खेल चुकी है, तो काइसिया नाइट मेरी स्मॉल लीग में विकेट कीपर रहेंगी। 3 बैटर, तीनों ऑटोमेटिक चॉइस है सबकी टीम में मिलेंगे, स्मृति मंधना, शेफाली वर्मा और डायंडरा डॉटिन, ठीक है। 4 ऑलराउंडर यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ, हिली मैथ्यू, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा, और अपेक्षा ये है कि ये भी आपको सभी टीमों में मिलने वाली है। 3 बॉलर लेके जा रहा हूं मैं, समेलिया कोनल, उसके साथ राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर। टीम आपकी और आपके ओपोनेंट की ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बदलाव कैप्टन, वाइस कैप्टन और एक आध प्लेयर का ही रहेगा। जैसे समेलिया कोनल की जगह कोई टीम शकीरा सलमान लेके जाएगा, कोई कोई लेके जाएगा आपका एलिना एलेनी को, लेकिन एज ए बॉलर विकेट टेकिंग जो क्षमता है वो समेलिया कोलम की एक्सीलेंट है, इसलिए मैं इनको लेके जा रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखें, अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो आपको सेम कॉम्बिनेशन के साथ रहना है। अगर भारत जाता है चेज करने, बारबाडोस पहले बैटिंग करता है और भारत चेज करने जाता है, तो आप इस टीम में हरमनप्रीत कौर को बगैर सोचे समझे ड्रॉप कर दीजिए, मेघना सिंह जो कि एकमात्र ऑप्शन है जो बच रही है उनको ले लीजिए और वाइस कैप्टन बना दीजिए इस टीम की फिर दीप्ति शर्मा को। ये बदलाव आपको जरूर करना है, एक अगर भारत पहले चेज करता है, मतलब भारत पहले बॉलिंग करता है या भारत चेज करने जाता है समझिए, तो हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप करके मेघना सिंह को लीजिए और वाइस कैप्टन दीप्ति को बनाइए, और अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो इस टीम से आपको छेड़ना नहीं है, ऐसे आपकी स्मॉल लीग टीम बनी। चलते हैं टीम नंबर 2, मतलब मिनी ग्रैंड लीग टीम की तरफ। विकेट कीपर फिर से काइसिया नाइट, बैटर फिर से वही तीनों, डायंडर डॉटिन और आपका स्मृति मंधना और शेफाली वर्मा, लेकिन कैप्टन इस बार स्मृति मंधना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी पारी खेली, पाकिस्तान को तो धो ही डाला है स्मृति ने, तो इसलिए कैप्टन बना के जा रहा हूं मैं इनको। ऑलराउंडर कोई बदलाव नहीं, तीनों चारों वही जो पहली टीम में थे, और सेम केस फिर से है कि अगर भारत बाद में बैटिंग करता है तो फिर हरमन की जगह मेघना ले आना, इसमें भी समेलिया कोलन की जगह एलिना एली, सिर्फ एक बदलाव पूरी टीम में, और कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर दिए हैं, स्मृति मंधना कैप्टन और रेणुका सिंह ठाकुर वाइस कैप्टन। दूसरी तरफ अगर भारत पहले बॉलिंग करेगा तो रेणुका को कैप्टन बनाना है और आपको स्मृति मंधना को वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है। इतनी सी कहानी मिनी ग्रैंड लीग की। चलते हैं अब ग्रैंड लीग टीम में, तो ग्रैंड लीग टीम में फिर से वही आपका विकेट कीपर काइसिया नाइट, यस्तिका भाटिया को मैंने नहीं लिया है किसी भी टीम में। बैटर यहाँ पे डायंडरा डॉटिन, चूंकि खराब फॉर्म थोड़ी चल रही है उनकी जगह, तो उनकी जगह काइसोना नाइट को मैंने मौका दे दिया है।
शेफाली वर्मा वाइस कैप्टन, क्योंकि एज ए बैटर भी अच्छा करके जा रही है, प्लस पिछले मैच में इन्होंने गेंदबाजी भी करी थी और एक विकेट लिया था। और ये गोल्डन आर्म है हरमन की, जब जब बॉलिंग करती है विकेट हमेशा लेती है, ऐसे में शेफाली वाइस कैप्टन आपके लिए गुड चॉइस साबित हो सकती है। ऑलराउंडर चारों वही, कोई बदलाव नहीं यहाँ पे, हीली, हरमन, दीप्ति और स्नेह कैप्टन, यहाँ पे दीप्ति शर्मा रहेंगी। पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, ये सीज ऑलवेज ए कैप्टन मटेरियल। तीन बॉलर राधा, रेणुका और उनके साथ सकेरा सलमान को लेकर आया हूं यहाँ पर, मतलब एक ही एक चेंज ही हुआ है तीनों टीमों में। कैप्टन वाइस कैप्टन सफलिंग करी है, ज्यादा स्कोप भी नहीं है बदलाव का, ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरीके के कॉम्बिनेशन डिजाइन करें एक दूसरे से 90% रिलेटेड वाले, कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करके, ठीक है। तो ये आपकी ग्रैंड लीग टीम होगी। हमारी बात इस वीडियो में मैच से रिलेटेड खत्म होती है, हमारी आपकी मुलाकात का सिलसिला यहां जारी रहेगा, लेकिन कैसे, आपको चैनल पहले सब्सक्राइब करना है, फिर नोटिफिकेशन बेल दबानी है, तब हमारी मुलाकात हर दिन हुआ करेगी। उसके साथ आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है ताकि इस मैच की अपडेटेड टीम आपको मिलती रहे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। आज के सभी मैचेस की वीडियो चैनल पे आ चुकी है, वो भी जरूर देखिएगा। अपना प्यार बरसाते रहिए लाइक कमेंट शेयर के थ्रू, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए @mohitcricketologist ही सर्च आपको करना है, ठीक है। चलिए मिलते रहेंगे, फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।